রবিবার মিছ হয় প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেসি হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সংস্থার জাতীয় সভাপতি ডক্টর প্রদীপ দুবের নেতৃত্বে একটি অ্যান্টি করোনা ক্যাম্পেনিং এর আয়োজন করা হয়। ফিতে কেটে ও কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াকিল, রাজ্য সহ মুওয়াসার আহমেদ, উত্তর কলকাতার সভাপতি ওয়াদে সিং, স্বেচ্ছাসেবক পারমিতা জয়সওয়াল সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সংস্থার জাতীয় সভাপতি ডক্টর প্রদীপ দুবের নেতৃত্বে মোহাম্মদ মেহতাবকে 39 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি মোহাম্মদ মেহতাব সহ সংস্থার সকল সদস্যরা। পাশাপাশি করোনার হাত থেকে বাঁচতে এই মহামারীতে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতেই অনুষ্ঠান শিবির থেকে 500-এর বেশি বাচ্চা সহ স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। পশ্চিম বঙ্গাল মে জিতনা থানা হয় सभी थाना वाइज हम लोग एक ब्लॉक कमेटी का गठन करते हैं। एक्चुअली ये कमेटी का मुख्य उद्देश्य है मानव सेवा, इसलिए आज 39 नंबर वार्ड में मोहम्मद मेहताब उर्फ बबलू भाई को हम लोग दायित्व दिए हैं। ये यहाँ के वार्ड की जो भी समस्या है, वार्ड के लोग दबे कुचले जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकारों को सरकार तक पहुँचा करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे मेहताब भाई। इनके साथ PDHRI की पूरी टीम है और सभी सदस्य इनके साथ मिल के काम करेंगे। प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया दिनों दिन आवाम की दुआ से, आवाम की ज़रूरत से और हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, हमारे जितने सदस्य हैं, उनके कर्तव्य निष्ठा से बढ़ते जा रहा है। उसी की एक कड़ी है, आज वार्ड 39 में भी एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ और डब्बू भाई जिनको जिम्मेदारी मिला है उनको आज की तारीख में सिर्फ यही है कि शुभकामना हम लोग देते हैं कि वे जिस पथ पर चले हैं, जिस रास्ते पर चले हैं, उसमें ठीक से अग्रसर हो सके, सबका दिल जीत सके, सभी समाज के ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सके। तरफ से PDHRI के प्रोडक्शन डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की तरफ से आज 139 में प्रेसिडेंट का मुझको मिला है दुबई जी के इसके तरफ से, और मैं कोशिश करूंगा जितने लोग के माने जो भी ऐसा काम हो सकता है ज़रूरत के, मैं उनको पूरा कर सकूं और अपने PDHRI के नाम जो है उनको आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। मेहताब भाई, आपको जो आज जो पोस्ट मिला इसके लिए इंसान का साथ इंसान पास कैसे हिसाब से काम करना चाहते हैं? देखिए, इंसान के संग में सबसे पहले तो इंसानियत का संग में, इंसान का संग जो काम होता है इंसानियत का, और मैं कोशिश करूँगा कि भाईचारगी बने रहे और एक दूसरे के काम पे जितना मदद कर सकता हूँ, मुझसे जितना जो हो सकता है मैं उनके लिए, इंसान के लिए बड़े चढ़ के आगे कर दूँगा। और हर एक जगह पे हम, मैं क्या, मेरे पूरे टीम जो है हम लोग सब साथ उनके खड़े रहेंगे। PDHRI के जितने लोग भी सीनियर है, जितने भी हमारे बड़े लोग हैं जो जो इन पे है, सभी के माने सभी लोग साथ हम लोग उनके खड़े रहेंगे। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें न तदबीरें, हो जौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जो हो जौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सबसे पहले हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी, नेशनल प्रेसिडेंट PDHRI, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। नॉर्थ कोलकाता का प्रेसिडेंट मिस्टर अवधेश सिंह जी, तोपसिया के इमरान साहब, जितने हमारे मेंबरान हैं, जितने पोस्ट होल्डर हैं, मैं सबसे पहले आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, तकरीबन 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये वाहिद प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया है जो सिर्फ इंसान के लिए काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है। आज वार्ड नंबर 39 KMC के जो मोहम्मद वार्ड प्रेसिडेंट मोहम्मद मेहताब साहब को अपॉइंट किया गया, उनकी ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि वो अब दिन रात मेहनत करके हमारी जो PDHRI की बिल्डिंग है इसको मजबूत करेंगे। मैं ये ऐसा जो है आशा रखता हूं, ऐसी उम्मीद रखता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि इस COVID-19 में तकरीबन 15 से ज़्यादा कितने लाख लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कितने हज़ार लोग मर गए हैं, लेकिन ये वाहिद हमारी प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया है जो 22 डिस्ट्रिक्ट में पूरे वेस्ट बंगाल में और हिंदुस्तान के तकरीबन 6 से ज़्यादा सर 6 7 स्टेट में हमारी प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया काम कर रही है, ये पैगाम दे रही है और इंसानियत के लिए काम कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो PDHRI है, ये हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है फंडामेंटल राइट्स को, हमारे प्रीएम्बल को प्रोटेक्ट करती है। इतना खूबसूरत प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वी द पीपल से स्टार्ट होता है। वी द पीपल के माने क्या हुआ, वी द पीपल माने हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम लोग जो है सेकुलर स्टेट चाहते हैं, इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। ये हमारी PDHRI जो हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है,
पहले भी प्रोटेक्ट करती थी फंडामेंटल राइट्स को, आज भी प्रोटेक्ट करती है, आने वाले दिनों में भी प्रोटेक्ट करती रहेगी। दूसरा हमारा पैगाम ये है कि ये हमारा जो प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया है, ये मानवाधिकार के लिए ये काम करती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, इंसान का कमाल ये नहीं है, इंसान का कमाल ये नहीं है कि हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमा करते हैं, बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, इंसान का कमाल ये नहीं है। इंसान का कमाल ये है कि वो इंसान बन जाए, इंसान का कमाल ये है कि इंसान बन जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, PDHRI जिंदाबाद, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार दीवी जी जिंदाबाद। मेरी ये दुआ है, मेरी ये आशा है कि वो 100 साल से भी ज़्यादा इस धरती पर रहे, ताकि हम लोग जम से दम और खम से हम लोग काम कर पाएँ। PDHRI जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। মানে সাবধান থাকতে হবে, সেফ থাকতে হবে, নিজেকেও থাকতে হবে, তার পরিবারকেও রাখতে হবে। সেই জন্য এনারা যে উদ্যোগ নিয়ে এই কাজটা করেছেন সেটা খুবই ভালো। সেই জন্য এনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, যারা যারা অর্গানাইজেশন তাদের সবাইকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ। যেরকম দেখুন, যে কোনো মানে আমাদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে, কোন বাড়িতে কোনো রকম কিছু রকম প্রবলেম হচ্ছে নাকি কী হচ্ছে নাকি তার বাড়ির গার্জেনকে জিজ্ঞেস, কোনো বাচ্চা ধরুন একটা কোনো জায়গায় পড়তে যাচ্ছে, সেখানে অ্যাটমসফিয়ার কী আছে, সেখানে জায়গাটা ভালো আছে নাকি, তো বাড়ির গার্জেনদেরও দেখতে হবে। আর এনারাও যদি আছেন, এরা যদি প্রত্যেক সময় সময় গিয়ে সব স্কুল কলেজে গিয়ে যদি আমরা নিতে পারি যে স্কুলের বাচ্চারা ঠিক মতো পড়ছে কি না, কি তারা সেফ আছে কি না, তাদের গার্জেনদের জিজ্ঞেস করা, তো এটা যদি সবাই মিলে আমরা করতে পারি, প্রত্যেকটা স্কুল ভিজিট করা, সে কর্পোরেশন স্কুল হোক, বড়ো স্কুল, যে কোনো স্কুল, প্রত্যেকটা স্কুল ভিজিট করতে হবে। এখন তো স্কুলে অনেক কিছু হচ্ছে, তো বাবা মারাও খুব আতঙ্কিত, তো এই মানে এনারা যেটা এই সংস্থা থেকে আমাদের এটাই একটা কাজ, স্কুলে স্কুলে ভিজিট করা, যেখানে কোচিং সেন্টার হচ্ছে ওখানে ভিজিট করা, বাচ্চারা কীভাবে আসা যাওয়া করছে সেখানে একটা রকম কোনো কিছু রকম প্রোটেকশান দেওয়া, তো এইগুলো করলে মনে হয় আমরা কিছুটা হয়তো আমরা মানে সেভ করতে পারবো। দ্য মেইন মোটো ইজ দ্য program is basically the opening ceremony of the place in this 39 ward committee, and it's not only the opening ceremony of the ward committee, it is basically for the people of the humanity and also by the people for the humanity, and we are also respected each and everyone, and then we also follow the humanity in this particular countries and the other countries as well. So our main motive is basically to help the people and reach the people to know what exactly they are facing the problem, not only in this Kolkata, and we are also going to village area like different states as well. So we are following you know, each and every aspects to help the people. And regarding the PDHRI, so we are basically more than 600 members in this state as well and the other state as well. So we basically following each and every aspect to grow this PDHRI and grow the humanity and learn the people how basically the humanity is. And we are also in organizing in this corona awareness program. So since last 3 months I believe we are organizing this program. It is not only the this particular area program, we also have been to last three program as well, Teachers Day and 15th August, and this is the third program which we are going through, and we are respected each and every member. Camera Saddam Hussain Shati Sokat Ali, report 24 hours TV.